उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए जान लेते हैं आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार टू डब्ल्यू ब्रेकिंग न्यूज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर ली। उत्तर प्रदेश में परिवारवादी सत्ता में आते ही तमंचोवादी हो जाते हैं, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला। एक महीने का भी बिजली बिल बकाया हुआ तो पड़ सकता है बहुत भारी, जानिए क्यों कट रहा है कनेक्शन। बसपा प्रत्याशी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, मस्जिद निर्माण में मदद का ऐलान, रिपोर्ट दर्ज। क्या आपका भी HDFC बैंक में है खाता या लिया है लोन, जानिए विलय के बाद क्या होगा आपके पैसे का। महिला पहलवानों के समर्थन में बनारस में लड़कियों ने उठाई आवाज, BHU और अम्बेडकर पार्क में हुआ प्रदर्शन। निकाय चुनाव में भाजपा को कैसे मिलेगी जीत, भूपेंद्र चौधरी ने बताया 50 परिवार वाला प्लान। जालौन में कांग्रेस दफ्तर के पास हनुमान चालीसा पाठ की कोशिश, पुलिस ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पहले सजा फिर सांसदी गई, अब अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त, आर्म्स लेने पर पहुंची पुलिस। 50 से ज्यादा अपराधियों के संपर्क में था दूजाना, यूपी दिल्ली समेत 4 राज्यों में भी निकला माफिया का कनेक्शन। यूपी में अब नहीं होगा बिजली संकट, योगी सरकार ने कर दिया बड़ा इंतजाम। अखिलेश यादव बोले सीएम योगी को नहीं उड़ाना चाहिए व्हील चेयर का मजाक, कारण भी समझाया। उत्तर प्रदेश में पत्नी के लिए वोटरों के पैरों में गिर गया पति, झोली फैलाकर मांगी भीख, वोट मांगने का वीडियो वायरल। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद, बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। अलीगढ़ में विपक्ष पर बरसे मौर्य, बोले सपा बसपा कांग्रेस ICU में ऑक्सीजन देने की है जरूरत। यूपी के हर जिले में बनेगा खेलो इंडिया सेंटर, अनुराग ठाकुर बोले पहले बवाल अब खेलों के दंगल के लिए प्रदेश का नाम। आतंकवादियों के प्रवक्ता बनकर कश्मीर राग गाया बिलाल भुट्टो, जयशंकर ने इज्जत से धोया। आधार कार्ड बेस्ड वेरिफिकेशन को मंजूरी, टाटा की कंपनी भी कर सकेगी ये काम। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की मां हीराबेन का दशाश्वमेध घाट पर हुआ पिंडदान, भाई पंकज ने पूरे किए अनुष्ठान। यूपी के आगरा के 9 लाख मतदाता कहां गई, अधिवक्ता हाई कोर्ट में दायर करेंगे याचिका, फिर से चुनाव कराने की मांग। 11 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना की तैयारी जोरों पर, पोलिंग पार्टियां 10 मई को सुबह निकलेंगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ट्रकों से बिहार जा रही 1,10,00,000 रुपए की शराब बरामद, गिरफ्तार तस्करों ने किया बड़ा खुलासा। ST हसन बोले भाजपा बुरके हिजाब के पीछे पड़ी है, सपा सांसद ने कहा इसे बैन करने के बहाना ढूंढते हमारे फोन भी टैप हो रहे। अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर, अब 63 माफिया UPSTF के रडार पर। चलिए अब जो बड़ी खबरें हैं उनको जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। परिवारवादी सत्ता में आते ही तमंचवादी हो जाते हैं, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर विपक्ष की सपा बसपा और कांग्रेस के साथ ही रालोद भी रही। हालांकि सीएम योगी ने सबसे ज्यादा हमले समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर किए। गाजियाबाद में सपा बसपा को अवसरवादी और अराजकतावादी बताते हुए योगी सरकार ने कहा कि जब जब परिवारवादी लोग सत्ता में आते हैं तो तमंचोवादी हो जाते हैं। कहा कि 2017 से पहले गाजियाबाद और पश्चिम यूपी की हालत किसी से छिपी नहीं थी, बेटियां स्कूल जाने से भी डरती थी। एक महीने का भी बिजली बिल बकाया हुआ तो पड़ सकता है आप पर बहुत भारी, जानिए क्यों कट रहा है कनेक्शन। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में बिजली की कंपनियां अपने घाटे को कम करने के लिए नई नई तरकीबें निकाल रही हैं। अगर आप भी एक महीने का बिजली बिल बकाया है तो यह काफी भारी पड़ सकता है। दरअसल प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले डिस्कॉम PVNL की राजस्व वसूली पटरी से उतरती जा रही है। कंपनी के 42.17 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली खपत करके 9,137 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। इतनी बड़ी बकाया राशि वसूलने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने अब महीने की राजस्व लक्ष्य व्यवस्था को बदलते हुए 5 दिन की कर दी है। अब हर माह 5-5 दिन का राजस्व दिया जाएगा। इसके साथ ही बकाया वसूलने के लिए अब एक महीने बकाया बिल पर भी कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
बसपा प्रत्याशी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, मस्जिद निर्माण में मदद का ऐलान, रिपोर्ट दर्ज। जी हां, महोबा नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों को लुभाने के लिए महोबा पालिका से अध्यक्ष पद के बसपा प्रत्याशी ने एक मस्जिद के निर्माण के लिए 51,000 रुपए देने का ऐलान कराया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने शहर कोतवाली में बसपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया। अगर आपका भी खाता HDFC में है तो जान लें। जी हां, आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस HDFC का विलय होने जा रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई तक इस मर्जर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस विलय के बाद HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस HDFC बैंक के नाम से हो जाएगा। वहीं HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी के ग्राहक HDFC बैंक के ग्राहक बन जाएंगे। इस विलय को लेकर HDFC बैंक और HDFC फाइनेंस ने ग्राहकों के मन में सवाल उठ रहे हैं। इस विलय के बाद काफी कुछ बदलेगा। यहां ग्राहकों को कुछ ही छत के नीचे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। वहीं लोन और बैंकिंग सेवाएं एक जगह होने पर ब्रांचों में भीड़ भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही HDFC बैंक और HDFC फाइनेंस के इस विलय की प्रक्रिया के बाद ज्यादा सर फाइनेंस कंपनी HDFC के होम लोन ग्राहकों पर पड़ सकता है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस विलय के बाद लोन सस्ता हो जाएगा। बहुत सारे सवाल है, नियम भी बदल सकता है। महिला पहलवानों के समर्थन में बनारस में लड़कियों ने उठाई आवाज, BHU और अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर 12 दिनों से धरना दे रही अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों के समर्थन में वाराणसी से भी आवाज उठी। यह आवाज भी बेटियों ने ही उठाई है। वाराणसी में 2 स्थानों पर पहलवानों के समर्थन और BJP सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में PM मोदी के नाम एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा गया। इसमें महिला पहलवानों की बात सुनने और BJP सांसद पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। अंबेडकर पार्क के साथ ही BHU परिसर में भी लड़कियों के साथ ही लड़कों ने भी पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। वहीं भगत सिंह छात्र मोर्चा की ओर से BHU के विश्वनाथ मंदिर के सामने छात्रों ने पोस्टरों के साथ कतार बनाकर प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव में भाजपा को कैसे मिलेगी जीत, भूपेंद्र चौधरी ने बताया 50 परिवार वाला प्लान। जी हां, यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने को लेकर भाजपा के कद्दावर नेता पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। खुद CM योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत योगी सरकार के मंत्री भी जगह जगह जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे चरण के लिए भाजपा के नेता पूरी जोर आजमाइश कर रही है। वहीं आज भूपेंद्र चौधरी बदायूं पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा की जीत का प्लान समझाया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अगर एक कार्यकर्ता चुनाव तक 50 परिवारों से मिले तो प्रत्याशी की जीत पक्की हो जाएगी। भाजपा एक संगठनात्मक पार्टी है, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जालौन में कांग्रेस दफ्तर के पास हनुमान चालीसा पाठ की कोशिश, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हां, कर्नाटक विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस की तरफ से बजरंग दल पर बैन लगाने और उसकी तुलना PFI से करने पर उठा तूफान। अब UP भी पहुंच चुका है। बजरंग दल के साथ उसके सहयोगी संगठन इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। जालौन में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की। रोकने पर पुलिस से तगड़ा झटका लगा। पुलिस ने बजरंगियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और जाम खत्म कराया। साथ ही सोशल मीडिया पर बजरंगियों ने कांग्रेस कार्यालय को घेराव कर हनुमान चालीसा पाठ करने की धमकी दी। UP में अब नहीं होगा बिजली संकट, योगी सरकार ने कर दिया इंतजाम। जी हां, यूपी के लोगों को अब भीषण गर्मी व उमस के वक्त बिजली संकट से दो चार नहीं होना पड़ेगा। ऐसे समय में भी भरपूर बिजली देने का इंतजाम सरकार ने कर लिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के साथ ही NTPC से आपात स्थिति में अतिरिक्त बिजली मिलेगी। वहीं पावर बैंकिंग के तहत इन राज्यों में सितंबर तक 304.20 करोड़ यूनिट बिजली यूपी को मिलेगी। यह बिजली इन राज्यों से बिजली के बदलते बिजली एग्रीमेंट के तहत मिलनी है। वहीं सर्दियों के दौरान पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने इन राज्यों को सरप्लस बिजली देने का काम किया था, जिसे अब गर्मियों के दौरान जरूरत के मुताबिक वापस लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पत्नी के लिए वोटरों के पैर में गिर गया पति, झोली फैलाकर भीख मांगी, वोट मांगा, वायरल हुई वीडियो। जी हां दोस्तों, चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा या निकाय का, एक वोट के लिए प्रत्याशी वोटरों के आगे नतमस्तक हो ही जाते हैं।
मतदाताओं के सामने प्रत्याशियों को गिड़गिड़ाना भी पड़े तो वो भी जरा से भी संकोच नहीं करते। चुनाव के समय प्रत्याशी वह सब भी कर जाते हैं जो कभी वह सपने भी नहीं सोचते। ऐसे ही एक प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पार्षद प्रत्याशी और उसका पति लोगों को वोट की गुहार लगाते नजर आ रहा है। रोड पर खड़े दंपत्ति हर आने जाने वाले लोगों से वोट देने की मन्नत कर रहे हैं। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद। बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। जी हां, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए। वहीं सेना के अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी उसके समूह से संबंधित है, जिसने 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर जोरदार हमला किया था, जिसमें कम से कम 5 सैनिक चल बसे और 1 अन्य घायल हुए हैं। दोस्तों, चल बसने वाले भारतीय सेना के जवानों के लिए कमेंटिंग होम शांति जरूर लिखे। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को मंजूरी, टाटा की कंपनी भी कर सकेगी ये काम। जी हां, बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अमेजन पे इंडिया और हीरो फिनकॉर्प सहित 22 वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों का आधार संख्या के जरिए वेरिफिकेशन करने की अनुमति दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी मालिकों के विवरण को वेरीफाई कर सकेंगी। इन 22 वित्तीय कंपनियों में गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस के अलावा टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स फाइनेंस, IIFL फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल है। यूपी के आगरा के 9 लाख मतदाता कहां गए? अधिवक्ता हाई कोर्ट में दायर करेंगे याचिका, फिर से चुनाव कराने की मांग। जी, आगरा दीवानी में अधिवक्ताओं ने बैठक की। बैठक में आगरा नगर निगम की वोटर लिस्ट में 9 लाख मतदाताओं का नाम सूची में न होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त और जिलाधिकारी आगरा को शिकायत पत्र भेज कर शिकायत की है। इसके साथ ही 48 घंटों के अंदर चुनाव की गहन समीक्षा कर चुनाव रद्द करने से मतदाता सूचियों को सही करा कर चुनाव कराने की मांग की है। जेल में बंद अफजाल अंसारी की फिर बड़ी मुश्किलें। गाजीपुर DM ने लिया बड़ा एक्शन। जिया मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद गाजीपुर के DM ने यह कार्रवाई की। दोस्तों, खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज की ताज़ा अपडेट के लिए यूपी खबर जानकारी को अभी सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबा लें।